सपना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम। इस कार्यक्रम में हमारा मकसद है कि हम जानते हैं कि आखिरकार सिरसा यानी कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों का क्या कुछ है मिजाज, क्या कहता है उनका मूड, आखिरकार वो कैसे विचार रख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो, कैसा कैंडिडेट जो है वो उनके बीच में आए जो लोकसभा वो पहुंचा सके। इस बार कमल खिल पाएगा या फिर हाथ का पलड़ा भारी? बिल्कुल कमल खिलेगा जी, कमल खिलेगा। कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं क्या? कैंडिडेट बिल्कुल मजबूत है। क्या लग रहा है मोदी सरकार का चेहरा देखकर कामकाज के आधार पर वोट करेंगे या फिर कैंडिडेट को देख रहे हैं या फिर सीधा मोदी को ही? ये भी सही है, और सिरसा में खासकर गोपाल जी का साथ होने की वजह से, कांडा जी का साथ होने की वजह से पूरी मतलब इनको जीत तो पूरा पूरा सहयोग भी कर रहे हैं अशोक तंवर का, उनके पक्ष में लगातार हम देख रहे हैं जनसभाएं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल जोर है, ऐसी बात नहीं है, इन्हीं यही जिताएंगे इनको और फाइनली जिताएंगे सिरसा से, बड़ी जीत। सिरसा में तो योगी आदित्यनाथ भी आए, कह रहे हैं कि बीजेपी के लीडर हैं वो, उनके आने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा जी, लग रहा है बिल्कुल पड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी 400 बार? कैसे, क्यों? बहुत काम किए मोदी जी ने अपने लेडीजों के लिए, जनता के लिए, और मतलब बहुत बड़े, जैसे एक राम मंदिर बनवाया जो सदियों से 70 साल से नहीं बना, अब वो बनाए, और अब इसके बाद राम मंदिर के बाद केथल की भी बारी है, मतलब बहुत विकास कराया है, और लेडीजों के लिए 5 लाख। सिरसा से मौजूदा जो विधायक हैं गोपाल कांडा, लगातार हम देख रहे हैं वो धर्म के कार्य हमेशा करवाते रहते हैं, बीजेपी को भी पूरा पूरा समर्थन दे रखा है उन्होंने, कुछ मदद मिल पाएगी बीजेपी को? हाँ जी, खूब मिलेगी मदद, सिरसा से लगभग 1.5 लाख से 1.5 लाख के बीच में जीतेंगे लग रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और भी लोगों के बीच हम जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी सरकार वाई बहुत बढ़िया, अच्छे मार्ग से जीतेगी। लग रहा है कमल खिलेगा इस बार? बिल्कुल खिलेगा। मोदी का जो बेस्ट वर्जन है वो काम कर पाएगा या फिर कैंडिडेट को इस बार पसंद कर रहे हैं लोग? हम उसको पसंद कर रहे हैं जो ऊपर वाला है, मोदी सरकार जो है, मोदी की को ही देख के ही वोट दे रहे हैं। मोदी को देख के वोट। यहाँ से तो विधायक गोपाल कांडा भी है, कुछ मदद मिल पा रही है क्या बीजेपी को? मिल रही है, बहुत अच्छी मदद मिल रही है। धर्म के भी हमेशा काम करवाते हैं, काम पे धर्म के काम पे ही चल रही है, धर्म की सदैव जीत। चलिए इनसे भी जान लेते क्या लग रहा है इस बार, मोदी सरकार 400 पार, क्या कारण है? मोदी जी ने काम करवाए हैं, बहुत अच्छे काम करवाए, गरीब से लेकर ऊपर तक नीचे से लेकर काम करवाए हैं। जनता इस बार फिर से मौका देगी? जनता बिल्कुल मौका देगी। कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा क्या? कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा, यहाँ पर गोपाल कांडा जी हैं, गोपाल कांडा जी का चल रहा है, बिल्कुल विधायक भी हैं, गोपाल कांडा जी ने मोदी जी को समर्थन दे रखा है और बिल्कुल खुलम खुले उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर गरीब को 5 किलो के हिसाब से कणक मिल रही है और 5 लाख का उनका मतलब जो है इंश्योरेंस हुआ हुआ है, उनका इलाज करवा रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। राम मंदिर बना, हमने आज तक सोचा नहीं था, हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों ने कितना लंबी लड़ाई लड़ी है, 500 साल हो गए राम मंदिर के पीछे हमें, अब हमारा राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है, तो देखो अब की बार मोदी सरकार। ऐसा है क्या, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, आप भी लाओगे क्या? बिल्कुल लग रहा है क्या? पूरा सिरसा लेके आएगा, पूरा सिरसा लेके आएगा, इतना बड़ा दावा आप कर रहे हो? नहीं, बहुत बड़ा दावा मैं कर रहा हूँ। क्या कारण है कि आप इतना बड़ा दावा कर रहे हो? कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर रही है, जो कांग्रेसी थे और कांग्रेस से जुड़े हैं उन लोगों ने, एक बूम था कि शैल जाएगी तो हम जीतेंगे, शैल जाएगी, और वो सारे के सारे बाहर निकल आए। कांग्रेस के पास धरातल पे कुछ नहीं है, जो भी है वो बाहर आ गया। साइलेंट वोट जो भी है, वो राम मंदिर है, धारा 370 है, जो अनाज देती है गवर्नमेंट, और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, विदेश नीति है, इन सबको सोच के लग रहा है कि इस बार कमल खिलेगा। क्या लग रहा है, कमल खिलेगा या हाथ का पलड़ा भारी? कमल, कमल। क्या रीजन है? कमल काम के आधार पर जनता उन्हें पसंद कर रही है या फिर सिर्फ चेहरे के आधार? मोदी ने काम किया है सबसे ज्यादा गरीबों के लिए, गरीबों के लिए क्या, गरीबों के लिए इतना काम कर दिया जो कांग्रेस 70 साल से नहीं कर पाई। सबसे पहले कोई मकान नहीं ले सकता था, कांग्रेस राज में इतने रेट हो गए थे एक मकान के, जो गरीब की पौन से बाहर हो गए। मोदी आते ही इतने रेट डाउन कर दिए मोदी ने मकान के, जो एक गरीब की पहुंच में आ गया कि मैं मकान ले सकता हूं रहने के लिए। आशा तो यहां के जो कैंडिडेट है वो मजबूत नहीं है क्या? वो मजबूत, उनको मजबूत इसलिए नहीं है कि वो कईयों का उन्होंने पाला पलटा था, वो उसको वोट नहीं दे रहे, शहर उसको वोट नहीं देगा, मोदी के नाम को वोट देगा। हमने कमल के निशान को वोट देखा ना कि तंवर जी को वोट देखा ने। अच्छा, यहाँ से तंवर,
ये मोदी जी जीत रहे ना कि तंवर जी जीत रहे। चलिए बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ लेते हैं और भी हम लोगों से जानने का पूरा पूरा प्रयास कर लेते हैं। भाई साहब आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं किसी काम के लिए, जरा पहले आप ये बताइए कि अभी सिरसा में माहौल क्या चल रहा है? हमारे भाई साहब जीतेंगे पूरे वोटों से, कमल खिलेगा सिरसा में, बहुत बढ़िया इन्होंने काम करवाए हमारे गोविंद जी ने। समर्थन भी तो कर रहे हैं बीजेपी को, कुछ मदद मिल पाएगी बीजेपी को? मिलेगी, वोट मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। हमारे वो साला सर मंदिर है, भाई साहब ने गेट बनवाया और उधर भाई साहब कौन है? ये गोविंद भाई साहब जी। अच्छा, और गोपाल कांडा बीजेपी का समर्थन कर रही हैं, वो खुद विधायक भी तो हैं सिरसा से। हैं वो हैं, अब जीतते हैं ना, अब जीतते हैं, अब भी जीतेंगे। पूरे वोटों से जिता रहे हैं ये इनको, क्या नाम है अपने तंवर जी को, इनका इनका पूरा स्वागत है जी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, और भी हम लोगों से जानने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। सिरसा में जो माहौल है किसके पक्ष में चल रहा है, क्या लग रहा है, कौन सा कैंडिडेट मजबूत लग रहा है? मैं रमेश जैन, यहाँ जो माहौल चल रहा है, जो साइलेंट वोट है, गरीब लोगों का वोट है, लेडीज का वोट है, बाहर की बस्तियों के अंदर वोट है, जो देश के प्रति डेडिकेटेड लोग हैं उनका वोट 100% अशोक जी तंवर को जाएगा। और उनकी स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। वो 400 पार के अंदर सरसा का, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ये सोचना है कि कमल का फूल ही खिलेगा यहाँ। लेकिन विपक्ष तो तमाम तरह के आरोप लगा रहा है बीजेपी पे कि इनके पास दो चार ही मुद्दे हैं, ये धर्म पे राजनीति का, धर्म के हिसाब से राजनीति नहीं, धर्म के काम हम काम पे कर रहे हैं। हम जो देख रहे हैं मोदी जी ने जो काम किए हैं, बिना पर्ची खर्ची के लोग नौकरी लगे, जिन गांव के अंदर लोग नौकरी लगे, 20 लोग मान लो लगे, 20 में से 19 लोग तो विपक्ष के हैं, मतलब अलग पार्टियों से है, और कोई गलती से भी एक भी जो है ना शायद कहीं इस पार्टी का लगा हो, तो इस हिसाब से जो लोगों के अंदर उनके प्रति कोई रोशनी है। हाँ ये जरूर है भी 10 साल से इनकी सरकार है, उसके प्रति कोई एक आधा गुस्सा किसी का होगा, लेकिन पूर्णतः ये नहीं है कि उनको वोट ना दे, वोट देंगे, कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेगा अशोक तंवर। तो एक बड़ा दावा कर रहे हो, 4 लाख वोटों से जीतेंगे? कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। कुमारी शैलजा नहीं जीत पाएंगी, कैंडिडेट मजबूत नहीं लग रही है, क्या कारण है? मेरे कारण से कुमारी शैलजा के पिताजी 2-3 दफा जीत लिए, ये भी 2-3 दफा जीत ली, और इन्होंने सरसा को अपना घर नहीं माना कभी भी, ना यहाँ घर बनाया, ना यहाँ घर बसाया, ना किसी से सीधे मुंह बात करते हुए, ना यहाँ कोई विशेष कार्य किए, कोई हमने नहीं देखा। मैं 70 साल की मेरी उम्र होगी, मैंने सब उनके इलेक्शन देखे हुए हैं, जो इस समय 10 साल पीछे जो काम किए मोदी सरकार ने, वो उन्होंने कभी आज तक सोचे नहीं। और उनके पास जाते कोई दिल्ली जाते, कोई उनका रतिया के पास गाँव है वहाँ जाते, तो उनको दुदकारा ही जाता है। सिरसा में नहीं आई है? अच्छा, सिरसा में योगी आदित्यनाथ आए हैं, कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? बीजेपी के लीडर है वो, योगी आदित्यनाथ जी का, इनके ये मठों के हिसाब से सरसा में भी इनका सरसाईनाथ का मठ है, इन लोगों के प्रति बड़ी आस्था है योगी जी के प्रति, क्यों ये निष्ठामान है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो मतलब जो इन्होंने जो काम किए हैं वहाँ का, जितने जो बदमाश टाइप के जो लोग थे उनका सफाया किया है, वहाँ बिल्कुल साफ सुथरी जो है ना सभी के लोग अब इस टाइम है, वही सरकार राज कर रही है। बल्कि वो कभी हंस के ये ऐसा भी कहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक महीना ठेके पे मेरे को अगर दे तो यहाँ भी मैं वही काम कर सकता हूँ जो उत्तर प्रदेश में किया। तो लग रहा है इस बार कमल खिल पाएगा। अब एक बात बताइए, जो कांडा बंधु हैं, खुद गोपाल कांडा भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं अशोक तंवर के पक्ष में, लगातार हम देख रहे हैं सहयोग दे रहे हैं, पूरा कांडा बंधु जो है वो लगातार लोगों के बीच भी जा रहा है। अभी हाल ही में वो रानिया गए, बाजेका गए, अहलाबाद में भी भजन संध्या कार्यक्रम जो आयोजित करवाया गया वो गोपाल कांडा की तरफ से ही करवाया गया था, और उनके जो भाई हैं गोविंद कांडा उनकी तरफ से ही करवाया गया था। धर्म के जो कार्य हैं वो हमेशा करवाते आए हैं, लग रहा है कि उनकी छवि का प्रभाव कुछ पड़ेगा, बीजेपी को कुछ मदद मिल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो पीछे ये जो क्या होता है, ये आई थी ना बीमारी अभी अपनी ताजा कोरोना कांड के अंदर, कोरोना काल जो आया उसमें लगातार शहर वालों को उन्होंने खूब रोटियां खिलाई, शहर के अंदर कोई और कोई दान किसी कोई चाहिए दान देते हैं ये लोग। और अब इलेक्शन सिरसा से विधायक भी तो हैं गोपाल, हाँ गोपाल जी सिरसा से विधायक हैं, गोपाल जी की पार्टी है अलग से और वो एनडीए का हिस्सा है, और गोविंद जी पूरे बीजेपी पार्टी के अंदर हैं। अगर ये दोनों लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर ना लगते, अगर नहीं होके लग रहे हैं, चुनाव का जो उठाव है, चुनाव की जो जीत है, इनका मुख्य रोल होगा, और इनके जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं उसमें गोपाल कांडा और गोविंद कांडा की जय जब बोलते हैं ना, तो वो श्रेय खुद नहीं लेते, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी को ही देते हैं श्रेय। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इनसे भी जान लेते हैं क्या लग रहा है सिरसा की जनता इस बार क्या जा रही है, कैंडिडेट कौन सा मजबूत लग रहा है इस बार? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा,
तो इस बार कमल खिल पाएगा, मोदी जी आएंगे तुम्हारे भगवा ले रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो एक बात बताइए, बुलडोजर बाबा भी तो आए सिरसा में, योगी आदित्यनाथ आए, कुछ प्रभाव पड़ेगा सिरसा में? बहुत पड़ेगा जी, सिरसा धर्म नगरी है, यहाँ पर लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, विभिन्न आयोजन होते रहते हैं, कांडा बंधु समय समय पर आयोजन करवाते रहते हैं, धार्मिक आयोजन करवाते रहते हैं। अभी पीछे विधायक भी तो है सिरसा, देखो विधायक तभी तो बने हैं वो, क्योंकि वो धर्म के काम करते हैं। जी जी, धर्म के काम कराते हैं, सामाजिक काम करवाते हैं, तो यहाँ के लोग रुचि रखते हैं। तो दूसरी बात है, ये जो कांग्रेस लोग हैं ये छदम बेस में मुस्लिम लोग हैं, इनका एक टारगेट है हिंदू राष्ट्र की बजाय यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करना। पिछले 70 सालों में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की है कांग्रेसियों ने, अब भी यही चाहते हैं। आपने नोट किया होगा कि इन्होंने संविधान में संविधान की खिल्लियाँ उड़ा करके मुस्लिम धर्म के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं, और वक्फ बोर्ड की स्थापना की, वक्फ बोर्ड का यहाँ क्या काम था? जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गया धर्म के राज पर, मुसलमान वहाँ चले गए, हिंदू यहाँ आ गए, तो द्वारे वक्फ बोर्ड बनाना, ये छोटे छोटे ऐसे काम करना, मुस्लिमों को बढ़ावा देना, उनके ऊपर कानून लाने का विरोध करना, उनको वहाँ से उठा उठा करके भारत में बिठाना अल्पसंख्यकों को, तो ये सब जो है ये मुस्लिम बनाने का, राष्ट्र बनाने का, तो हम क्यों ना हम अपने हिंदू राष्ट्र को हिंदू बनाएं। ठीक है, आपने बताया कि जो राम को लाए हैं वो हम उन्हीं को लेकर आएंगे। अच्छा, जो कैंडिडेट हैं सिरसा के, बीजेपी से तो अशोक तंवर और कांग्रेस से कुमारी शैलजा, जो कैंडिडेट सिरसा से हैं, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अशोक तंवर, उनका पूरा पूरा समर्थन कर रही हैं गोपाल कांडा। लगातार हम देख रहे हैं धर्म के जो कार्य है वो हमेशा करवाते रही है, विधायक भी है और लोग जो है उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। बीजेपी को सहायता मिलेगी क्या? बहुत बढ़िया मिलेगी। आप ये देखिए, हमारे साथ ये किसान मोर्चा के अल्पसंख्यक के सिख भाई हैं, ये तन मन धन से लगे हुए हैं, 1 महीना हो गया, और अपनी कम्युनिटी को पूरा, इनकी कम्युनिटी भी इनके साथ है। मेरे कहने का मतलब ये है भी, जो हिंदू है चाहे सिख है, दोनों एक माँ के भाई हैं, एक माँ के जाए हुए भाई हैं, सगे भाई हैं। कुछ लोग कांग्रेसी इनको जुदा करने में लगे हुए हैं, लेकिन संभव नहीं है, जुदा नहीं कर पाएगी। हम तन मन धन से लगे हुए हैं, और नो डाउट आपने जैसे पूछा भी अशोक तंवर जी, अशोक तंवर जी तो मोदी के नुमाइंदे हैं, उन्हीं की टिकट लेके आए हैं, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अप्रोक्स रूप से हैं, तो हम सभी उनके साथ। क्या लग रहा है इस बार कौन सा कैंडिडेट मजबूत लग रहा है, कमल खिल पाएगा या फिर हाथ का पलड़ा भागा? जी बिल्कुल, कमल खिल चुका है, अब्बास की बार 400 पार होगा, अपने मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो, मैं किसान आंदोलन में था, 27 पर्चे मेरे पे पड़े, कितना अच्छा बात किया मोदी जी ने, कहता कभी मेरे से कोई कमी रह गई होगी तो मैं इस बिल को वापस लेता हूँ। उन्होंने जो झुकता है ना वो नहीं होता, जो वैसे अड़का है वो टूट जाता है। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, हमको 84 दी, हमारे गढ़ों में टायर डाले भाई, हमारी बेटियों बहू का कर किया, कभी सोनिया गांधी ने या किसी ने माफ़ी मांगी और बताओ, माफ़ी मांगने के लिए फिर सरदार खड़ा करके उसको कर दिया, क्यों? ये विदेशी है, ये कुछ नहीं करते क्या? देखो, नेहरू की बेटी थी, उसने मुसलमान से ब्याह कराया तो वो हिंदू कैसे होगी? उसके बाद उनका लड़का अपना राजीव गांधी, उसने क्रिश्चियन से ब्याह करवाया, उसका लड़का कैसे हिंदू हो गया? ये जो नाटो देश है या बाहर के देश है, ये पहले कांग्रेस वाले उनकी तरफ से चलते थे, ये अब उनको ये नहीं पच रहा है अभी, ये कोई एक माँ का लाल मोदी खड़ा हो गया, उनको चाहते थे भी हमारे पीछे लगने वाले हमको आदमी चाहिए जो उनके तलवे चाटे। अब क्या है, तुर्की जब कोई बात होती थी तुर्की इस्लाम के तरफ खड़ा हो जाता था, अब तुर्की इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, तुर्की ने खुद मान लिया है भी इंडिया सुपर पावर है और तुर्की को हमारा धान सपोर्ट हुआ है। इस बार 5,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान बिका, तो जिम्मेदारों के पास पैसा गया कि नहीं? हम 2 साल वहाँ पे पड़े रहे, 10वें दिन निपटारा हो गया था, परंतु इधर से जो कह रहे थे ना फंडिंग बाहर से हो रही, बाहर से नहीं हो रही थी, हुड्डा से हो रही थी, कांग्रेस से हो रही थी, वो फंडिंग से सब होता रहा, भी इनको उलझाए रखो, उसका फायदा उठा के ले गया केजरीवाल, और उस अब क्या है पंजाब में, मैं कहता नौकरी दे रहा हूँ, वो क्या है इसकी बीटी मैं कांग्रेस की नौकरी मिलेगी, अगर चिट्टे से मर ही जाएंगे तो नौकरी कौन करेगा? अच्छा, एक बात बताइए, सिरसा के जो विधायक हैं गोपाल कांडा, वो भी तो बीजेपी को पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं, एनडीए के घटक दल भी हैं और हम देख रहे हैं लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, धर्म के हमेशा कार्य वो करवाते रहते हैं, और ना सिर्फ करवाते हैं बल्कि अब आगे भी जिस तरह से भजन संध्या कार्यक्रम वो सिरसा में करवा रहे हैं, इलाहाबाद में भी कार्यक्रम करवाया, और अब तो एक बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी के जो लीडर हैं योगी आदित्यनाथ वो भी सिरसा की इस पावन धरती पर आए। कुछ
इफेक्ट पड़ेगा क्या? गोपाल कांडा जिस प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, बीजेपी को कुछ मदद मिलेगी? ये अब सुनामी चल पड़ी जी, योगी जी आए हैं तो यहाँ पे बुलडोजर रैली निकाली तो इनको सब में पेट में दर्द होने लगा, अभी क्यों निकाल रहे हैं? अरे तुम लोग, तुम्हारा आता है तुम करते हो, हम तुमको कुछ कहते हैं? लड़ना है तो सीधे मैदान में आए, ऐसे छदम बेच में क्यों करते हो? क्या लग रहा है आपको इस बार किसके पक्ष में माहौल है? लग रहा है कुछ पॉजिटिव है, कमल खिल पाएगा या फिर हाथ का पलड़ा भारी? कमल ही खिलेगा मैडम। क्या कारण है? देखो मोदी जी ने इतने काम करवाए हैं, चाहे जल में नल हो, सड़कें बनवाने का काम हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, और भी बहुत सारे काम आप सब लोगों के सामने ही हैं। मोदी जी ने देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और सबको साथ लेके चले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो क्या तमाम योजनाओं की बदौलत जो सरकार ने कामकाज करवाए हैं उसके जरिए क्या दोबारा मौका दिया जाएगा इस सरकार को? देखो जी, हर जो देश का नागरिक है उसको अपने काम करवाने से ही मतलब होता है, और देश हमारा पूरा सेफ रहे, हमारे बच्चे सेफ रहें, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, देश में रोजगार बढ़े, इन सारे प्रयास करने में मोदी जी लगे हुए हैं। आने वाले पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, वो ये बोल रहे हैं आने वाले 5 वर्षों में मैं देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। ये मोदी जी का प्रयास है और लोगों का विश्वास है, इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है। और विश्वास और राष्ट्रहित के लिए हमें मोदी को लाना चाहिए। लग रहा है इस बार कमल खिल पाएगा, 400 पार का नारा जो दिया है सरकार ने, जो नारा सरकार ने दिया है वो नारा हमारे लोगों के जोश से ही पूरा हो जाएगा, और पूरे देश में मोदी लहर है, भाजपा की लहर है, इस बार 400 पार अवश्य होएंगी। मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनके देश का परचम लहराए। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि अभी फिलहाल कौन सा कैंडिडेट सिरसा में मजबूत लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार कैंडिडेट कौन सा मजबूत लग रहा है सिरसा में? नमस्कार मैडम, आपका सबसे पहले तो आपका एसटीवी हरियाणा का यहाँ सिरसा पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा में तो मैडम एक तरफा माहौल है, डॉक्टर तंवर साहब हैं जो बीजेपी से हैं उनका एक तरफा माहौल है, वो कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं इस बार। सिरसा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये है जी, जो हरियाणा लोकहित पार्टी है यहाँ से, जो भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी की जो पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, उन्होंने जो NDA का जो घटक दल है उन्होंने उनको समर्थन दे रखा है, और वो सिरसा की जो 9 की 9 विधानसभा सीटें हैं उन पर उनका अच्छा वोट बैंक है, सभी कार्यकर्ता उनका तो वो तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं, डॉक्टर तंवर साहब जी के साथ है, तो उनका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और ये वोट जाएगा मोदी जी को जी। मोदी जी जो देश में जो अपने भारत का जो विदेशों में जो नाम हुआ है, अच्छा हुआ है, जो 370 का जो काम किया उन्होंने हटाई है, और जो राम मंदिर का मुद्दा है वो उन्होंने इतने सालों से जो रखा था कांग्रेस के टाइम में वो उन्होंने सोल्व किया है। तो क्या लग रहा है आपको? मैडम जी मेरा वोट तो मोदी जी के साथ है। क्या मोदी का चेहरा पसंद है या फिर कैंडिडेट मजबूत लग रहा है? मोदी जी के काम भी अच्छे हैं और कैंडिडेट भी ठीक है जी, अशोक तंवर जी ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये मोदी जी ने उनको यहाँ पे चुना है अपनी पार्टी का एक कैंडिडेट है अशोक तंवर, उनका पूरा सहयोग जो है वो पूरा कांडा बंधु कर रहा है। हम देख रहे हैं गोपाल कांडा लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, महिला स्कूटी रैली भी निकाली गई, धर्म के भी वो काम करवा रहे हैं, भजन संध्या जो कार्यक्रम इलाहाबाद में हुआ उसमें भी लगातार हम देख रहे हैं, वही जो पूरा कार्यक्रम है वो उन्होंने ही आयोजित करवाया था, तो ऐसे कई कार्यक्रम करवाए हैं। लग रहा है बीजेपी को कुछ मदद मिल पाएगी? बिल्कुल जी, गोपाल कांडा जी यहाँ से सिरसा से विधायक भी हैं जी, और सबसे बड़ी बात है वो उन्होंने खुलकर इस बार बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, और तन मन धन से उनके वर्कर सभी और गोपाल कांडा भाई साहब सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, और अशोक तंवर को जी भारी मतों से यहाँ से विजयी कराएंगे। तो लग रहा है कि इस बार कमल खिल पाएगा? बिल्कुल जी, यहाँ पे पिछली बार से एक तरफा माहौल है मैडम, सिरसा से एक तरफा माहौल है, तंवर साहब अच्छे वोटों से जीतेंगे, और वो सबसे बड़ा शेरिया जाएगा गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी, जो दिन रात एक कर रखी है तन मन धन से, और आज गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी का नाम आज हरियाणा में नहीं पूरे भारत में है, जो समाज सेवा और गौ सेवा में सबसे आगे रहते हैं दोनों भाई, रात दिन लगे रहते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जी भाजपा के लिए इनका साथ आना, ये तंवर साहब के लिए भी एक तरफा हो गया इलेक्शन, अगर गोपाल जी गोविंद जी इनके साथ खड़े हैं तो उन्हें हराने वाला कोई नहीं है जी। बहुत शुक्रिया, आगे भी हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, बातचीत करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या लग रहा है इस बार किसके पक्ष में चल रहा है माहौल, कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर मजबूत लग रहा है जी? यहाँ से बीजेपी,
बीजेपी लग रही है। मोदी सरकार का चेहरा पसंद है या फिर सेंटर में मोदी सरकार है उस बेसिस पे आप कह रही हैं या फिर जो कैंडिडेट है उसके आधार पर? नहीं जी, मोदी ही कह रहे हम तो। हाँ, मोदी का बहुत बड़ा, हाँ, मोदी के नाम पे लग रहा है कि कमल खिल पाएगा। बिल्कुल खिलेगा जी, बिल्कुल खिलेगा। क्या लग रहा है, कमल खिल पाएगा या फिर हाथ का लड़ा भारी? कमल खिल पाएगा, कमल खिल पाएगा। कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा क्या? नहीं जी, कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा, कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मोदी जी को देख रहे, मोदी जी को देख रहे। काम के आधार पर? हाँ जी। क्या काम करवाए उन्होंने महिलाओं के हित में? क्या जैसे जो योजनाएं सरकार लेकर आई है उनका लाभ प्राप्त हुआ आपको? हाँ जी, मिला है। क्या लग रहा है इस बार? हम तो मोदी जी को वोट, मोदी जी को। कैंडिडेट कोई नहीं देख रहा यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी से अशोक तंवर है और कांग्रेस से कुमारी शैलजा है। मेरे भाई गोपाल कांडा मेरे साथ है, इनके साथ है, जो इन्होंने काम किया है सबके बारे में, गरीबों के बारे में, जो लॉकडाउन में इतना साथ दिया हमारा, तो उनको कोई ये बात हर जगह किसी के राय तो वो तो सहयोग भी कर रहे हैं अशोक तंवर का, पूरा पूरा महिला स्कूटी रैली निकाली और जनसभाएं लगातार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके पक्ष में लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। उनके बारे में तो वो कोई पता थोड़ी है, ये औरों की तरह भड़कावा थोड़ी दे रहे हैं, वो तो अपने दिमाग से ही काम कर रहे हैं, सही है बस। भजन संध्या कार्यक्रम भी हुआ एलनाबाद में, वो गोपाल कांडा ने ही करवाया। धर्म के कार्य जो है वो हमेशा करवाते रहते हैं। जो भगवान के नाम पे चल पड़ा उनको फिक्र किस चीज की है, जो ऊपर वाला करता है वो बहुत सही करता। क्या लग रहा है इस पर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। किसके पक्ष में है माहौल? हम मोदी साहब के। कमल खिलेगा या फिर हाथ का पलड़ा भारी इस बार? कमल खिलेगा, बहुत अच्छे से खिलेगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से खिलेगा। कैंडिडेट कोई नहीं देख रहा? नहीं नहीं जी, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। क्यों? अच्छा, काम कौन से करवाए हैं बीजेपी ने? जनता के हित में कौन कौन सी योजनाएं लेकर आई है? महिलाओं के हित में कौन कौन सी योजनाएं लेकर आई है? बहुत योजना आई है जी मोदी की तरफ से, और हमारे गोपाल कांडा, गोविंद कांडा है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत दानी हैं, बहुत गरीबों की सहायता करता है, वो भी आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। सिरसा में माहौल किसके पक्ष में? सिरसा में माहौल मोदी जी के पक्ष में जी। क्या कारण है? तवर जी के भाई, जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं श्री गोपाल कांडा जी, और उनके जो समाज सेवा के जो काम है ना जी, जैसे हमारे यहाँ कथा भंडारे, जागरण कीर्तनों में उनका सहयोग, और जो नगर परिषद के जो काम कराए हैं उनका काफ़ी प्रभाव हमारे सिरसा के अंदर है, और नज़दीक की विधानसभा में जैसे एलनाबाद और रानिया भी उनका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। तो लग रहा है कि अशोक तंवर भारी मतों से जीत, बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे जी, और मोदी जी का। अच्छा, सिरसा में तो योगी आदित्यनाथ भी आए, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बहुत जी, बिल्कुल, हमारे बीजेपी के लीडर है वो। बिल्कुल है जी, लीडर लग रहा है इस बार 400 पार और कमल खिल पाएगा। बिल्कुल 400 पार जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और देखिए, जनता के बीच हम लगातार जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने का जो सिलसिला है ना वो लगातार जारी है, क्योंकि ये वोटर्स हैं सिरसा के जो ये चाह रहे हैं कि अगर विकास हो तो एक ऐसा कैंडिडेट लोकसभा पहुंचे जो पूरी पूरी चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरतें होती हैं जनता की, उन्हें पूरा किया जाए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हम, सिरसा के बीच में ही आपको मिलेंगे, सिरसा के लोगों से ही बातचीत करते हुए आपको मिलेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।